तो भाई लोग, क्या हाल चाल है आपका। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूँ हाल ही में आई एक मर्डर मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर मूवी का, जिसका नाम है रही हसीन दिलरुबा। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट 2021 में आया था, जिसका नाम था हसीन दिलरुबा। अगर आप लोगों ने इस मूवी का फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो इस मूवी को देखने में इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। तो बढ़ते हैं इस मूवी की स्टोरी की तरफ, जिसमें हमें रानी को दिखाया जाता है जो एक अलग ही शहर में अपने घर वालों और रिश्तेदारों से दूर अकेली रह रही होती है। और ऋषि अपनी सभी लोगों से पहचान छुपा कर रह रहा होता है और रानी से भी छुप छुप कर मिलता होता है। और भाई लोग, फिर एंट्री होती है सनी कौशल की, जो कि रानी से शिद्दत वाला प्यार करता होता है। और जहाँ पर इन तीनों का पति पत्नी और वो वाला हिसाब चल रहा होता है, और वहाँ दूसरी तरफ पुलिस वालों को भी पता चल चुका होता है कि ऋषि और रानी ने इनका कितना गंदे वाला चूतिया काटा है। तो फिर एंट्री होती है इस मूवी के हीरो की, क्योंकि विलन तो मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि वो तो सच्चाई की तलाश में होता है। और पुलिस ऋषि और रानी को ढूंढती होती है। और फिर आगे इस मूवी में क्या कुछ होता है वो आप लोग इस मूवी में देखिए। कमाल की स्टोरी है भाई इस मूवी की। इस मूवी में आगे और भी बहुत ही कमाल की मिस्ट्री है, जो आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। मुझे तो ये मूवी बहुत ही कमाल की लगी है, और मूवी के जितने भी एक्टर हैं सभी की एक्टिंग बहुत ज्यादा कमाल की है। लेकिन मुझे सनी कौशल की एक्टिंग सबसे ज्यादा कमाल की लगी, क्योंकि जब उसकी आंखों देखते हैं तो एक साइकोपैथिक लवर वाली फीलिंग आती है। और रानी की जो शेर व शायरी है, और एक हसीना थी और एक दीवाना था, ये गाना इस मूवी को और भी दिलचस्प बनाता है। और अगर आप सस्पेंस थ्रिलर मूवीज के फैन हो तो आप लोगों को इस मूवी की एंडिंग पहले ही समझ आ जाएगी, क्योंकि मुझे इस मूवी की एंडिंग पहले ही समझ आ गई थी कि आगे क्या कुछ होगा। ओवरऑल मूवी बहुत ही बढ़िया है, आप लोग जरूर देखिएगा। इस मूवी का पहला पार्ट इससे भी ज्यादा बढ़िया है। और इस मूवी के दोनों पार्ट्स आप लोगों को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे। और आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस ये रही थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से भाई हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। तो अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।